ये तो नायरा के पैरों के निशान है। अगर नायरा के जाने के निशान है तो फिर लौट के आने के भी होंगे कहीं। हम जानते हैं नायरा आएगी, हमारा मन कहता है नायरा जरूर वापस आएगी। मुझे भी पक्का पता मम्मा आएंगी, गोनू को कुछ भी नहीं होने देंगे। चल बेटा। दादी, नायरा, बोलो नायरा, कहाँ हो तुम? नायरा जवाब दो हमें। नायरा, मम्मा यहाँ पे? हाँ, उसने अभी आवाज दी हमें, तुमने सुना नहीं? हाँ, नायरा। माँ जी, नायरा यहाँ नहीं है, पर वो है जरूर, और वो लौट के भी जरूर आएगी, क्योंकि उसे आना ही पड़ेगा। उसके बच्चे उसका इंतजार जो कर रहे हैं। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि छाया को काया से अलग करते। स्वर्णा, सही कह रहे हो तुम, वो आएगी जरूर। भेजेंगे, मुझे पता है। और पापा की बिहेव करेंगे मम्मा को ढूंढने में, मम्मा पापा दोनों घर आ जाएंगे, है ना राजे? हाँ बेटा, इसीलिए तो किट्टू रुका है वहाँ। वो नायरा को लेके ही वापस आएगा, उसे वापस आना ही होगा। हमारी नायरा वापस आएगी, जरूर वापस आएगी वो। दादी, ताई जी, अंदर चलते हैं। मक्की चुन्नी का है ना, जो मैंने आज पहनी थी। तो मैं इसको अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ, फिर जब मम्मा आएंगी मैं उनको दे दूंगा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और सिर्फ हमें नहीं, पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस घर की बेटी का इस बुढ़ापे में हमारी आस न तोड़ो नायरा। इतने साल लगा दिए हमने तुम्हें बेटी मानने में, और आज जब माना तो नायरा, मैं यही हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं ना, कहीं नहीं जा रहा मैं जब तक तुम नहीं आते। तुम आ जाओ, तुम सुन रही हो ना? मैं सुन रही हो ना? तुम प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज आ जाओ बेटा। तुम्हें लिए बगैर हम घर नहीं जा सकते। क्या मुंह दिखाएंगे घर वालों को, क्या कहेंगे तुम्हारे बच्चों से। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ वरना हम यही खत्म हो जाएंगे। संभालिए खुद को, आप ही को संभालना है सबको। माँ, भाभी, कार्तिक देखिए, कार्तिक को कितना चुपचाप बैठा है वो, ना कुछ कह रहा है ना कुछ सुन रहा है। चाहिए जाकर उससे बात कीजिए। सुन रहे ना भाई साहब, संभालिए अपना बच्चे को। नहीं संभाल सकता, नहीं संभाल सकता। जब से वो घर में आई थी हम तो भूल गए किसी को कैसे संभालना है। घर, परिवार, बिजनेस, बच्चे, मेरे बेटे को भी उसी ने संभाला। अब तो भूल ही गए, वही जानती है किसे कैसे हैंडल करना है। उसी को वापस लो, ढूंढ के लाओ उसको कहीं से, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, लेकिन वही संभालेगी सबको भाई, हमसे नहीं संभाला जाएगा। पापा को फोन नहीं आया क्या? मम्मा को घर कमाएंगे। क्या हुआ? पापा की कार खराब हो गई करवा चौथ के टाइम पे से। नहीं कारण कुछ नहीं हुआ है, तुम इतना मत सोचो, कुछ नहीं हुआ। तुम पीछा के सोचा मम्मा आ जाएगी, तुम अब जगह देंगे तुम्हें तो रोएंगे कब? कायम खेती दी बात करिए ना नक्शजीजू से, वो बताएंगे, वो पक्का बताएंगे। हाँ। नक्श अभी तक कुछ पता नहीं चला है क्या? ये लोग ठीक से सर्च भी कर रहे कि नहीं? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश में लगे हैं कीर्ति, पर नहीं नक्श आप ऐसी हिम्मत मत हारिए। सुनिए, हमारी नायरा है ना, हमारी नायरा फाइटर है। आप देखना वो मौत से भी लड़कर आएगी वापस। आप ऐसे उम्मीद मत छोड़िए, ओके? हाँ? क्या हुआ बुआ? मामू ने क्या कहा? गौरव बेटा, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया है ना, तो उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपकी मम्मा को ढूंढने में बेटा। पुलिस भी उनकी मदद कर रही है, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं बेटा। जैसे आपकी मम्मा मिल जाएगी ना, वो लोग घर वापस आ जाएंगे, ओके? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल मत लो। मुझे मेरी नायरा वापस चाहिए कृष्णा जी, मुझे मेरी नायरा वापस चाहिए हर हाल में। चाहे तो बदले में आप कुछ भी ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए आप, पर मेरे बच्चों को उनकी माँ की जरूरत है। मेरे बच्चे वो बिना माँ के। कृष्णा जी, मुझे नायरा चाहिए। ये सब नायरा रख के गई थी कि आते ही और खुद ही वापस नहीं आए। दीदी ये क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं होगा, नायरा वापस आएगी और तुम देखना, नायरा खुद वापस आके सबको अपने हाथों से कचौड़ियां खिलाएगी। लल्ला, कार्तिक, नायरा आई नहीं क्या अभी तक? बहुत रात हो गई है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। नहीं कीर्ति बेटा। क्या हुआ? तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो? अब बला टल गई है ना, सब लोग बस से बाहर निकल आए हैं ना, फिर रो क्यों रहे हो? नायरा बुआ, क्या हुआ बेटा? नायरा ठीक है, कार्तिक ने उसे बस से बाहर निकाला था ना, है ना स्वर्णा? तुम सब लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? और नायरा कहाँ है? बाकी सब लोग भी कहाँ है? दूसरी गाड़ी से आने वाले थे क्या? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं खुद ही फोन करके पूछती हूँ। नायरा नहीं, कार्तिक नहीं, भाभी माँ को कुछ भी याद नहीं। हाँ चाची, शायद बड़ी दादी शौक में चली गई है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हाँ माँ, मैं अभी लगाती हूँ फोन डॉक्टर को। हम तब तक कावेरी जी से बात करते हैं। कृष, वंश, बेटा आप दोनों अब हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो, सोना है ना, रात बहुत हो गई है। कृष्णा आप भी उठो और कायरव को भी। कायरव, कायरव कहाँ चला गया? अब बिजू नहीं था। कायरव, कायरव, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे सजा दीजिए आप। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? किस बात की? कृष्णा जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। StarPlus के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें StarPlus YouTube पेज को।